अगर आप एक बहुत ही पावरफुल वीडियो विजन बोर्ड बनाना सीखना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गोल्स के लिए रोज़ मोटिवेटेड रहे इंस्पायर्ड रहे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है मेरा नाम नेहा भाटिया है अ वेरी वॉन्म वेलकम टू यू ऑन दिस वीडियो अगर अभी तक आपने ये बुक नहीं ख़रीदी है तो प्लीज़ फटाफट से ख़रीद लीजिए दिस इज़ द बुक विच इज़ अबाउट लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड ट्वेंटी डेज़ का चैलेंज है जो कि आप ले सकते हैं वेन यू apply the method you will start to see the change every single day it's available on amazon and i am the author of this book so quickly buy this book okay so video vision board aksar aapne suna hoga vision board ke bare mein hai na ek board hota hai jis par aap apne goals um, images ke form mein rakhte hain ya affirmations ke form mein rakhte hain alag alag tarike hote hain right lekin recently maine apne liye video vision board banaya and i tell you the results are magical especially jisne मैंने बनाया उस दिन पूरी रात मैं सो नहीं पाई इतनी एक्साइटेड इतनी uh, ज़्यादा कॉन्फिडेंस इतनी सर्टनिटी फ्यूचर को लेकर वो आप एग्जैक्टली exactly फील कर सकते हो अगर आप इस पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई करोगे अपने विजन बोर्ड को बनाने के लिए ओके okay? देखो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है बट अगर आप फ्यूचर बना ही रहे हो अपना तो क्यों ना उसको थोड़ा सा टाइम दो एनर्जी दो एंड जस्ट गिव दैट नरिशमेंट टू इट सो दैट आप एक बहुत अच्छा विजन बोर्ड बना सकें ये विजन बोर्ड यू विल नॉट बी एबल टू प्लेस इट एनी वेयर ये वीडियो विजन बोर्ड होगा ओके okay? कि विज़न बोर्ड भी होगा इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ बोर्ड इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ इंडिंग यूर गोल्स बट एट द सेम टाइम इट विल बी सुपर मोटिवेटिंग सुपर एंगेजिंग एंड सुपर यू नो एक्साइटिंग फॉर यू ओके सो कैसे करना है प्लीज़ समझ लीजिए सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या अपने फ़ोन पर जाएंगे वहाँ पर एम एस वर्ड पर आप लिखेंगे माई विजन अब विज़न बोर्ड का एक्चुअल मतलब क्या होता है एक ऐसा बोर्ड जहाँ पर आपको अपना विजन दिखता रहे राइट सिंपल बट आपने करना कैसे आपको आपका प्रोसेस क्या होगा आपका स्टेप बाय स्टेप मेथड क्या होगा सबसे पहले आप जाएंगे एम एस वर्ल्ड पर वहाँ पर आपको जो जो चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी यू नो वेल्थ फाइनेंशियल्स में आपको क्या क्या चाहिए आने वाले वक्त में ओके okay? अपनी रिलेशनशिप और अपनी हेल्थ में ये पाँच एरियाज ही होते हैं हमारी लाइफ के राइट right? पर्सनल uh, में आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं आपकी क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो आप चाहते हो राइट प्रोफेशनल में आपको क्या क्या चाहिए आपको ग्रोथ चाहिए आपको एक पर्टिकुलर जॉब चाहिए आपको यू नो फेंशल्स में क्या चाहिए राइट right? आप चाहते कि हो कि आपके सारे डेट्स क्लियर हो जाएँ राइट तो आप डेट्स वर्ड्स तो यूज़ मत करना अपने विजन बोर्ड में बट आप अपनी इनकम uh, लिख सकते हो कि आपको क्या चाहिए मंथली बेसिस पर राइट right? जो भी आप गोल्स लिख रहे हो वो ऐसे हो जो रियलिस्टिक हो ठीक है ना थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो आप बट इतना इतना मत स्ट्रेच करना फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ महीने का दस हज़ार कमा रहे हो और बोलो मैं एक करोड़ कमाऊँ पूरे साल का दैट्स टू मच फॉर द माइंड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड एब्जॉर्ब तो स्ट्रेच करो इतना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक लाख कमा रहे हो तो एटलीस्ट मैं दो तीन महीने के बाद से एक डेढ़ लाख तक आ जाऊँ राइट सो यू यू वॉन्ट जस्ट स्ट्रेच अ लिटल बेट इन एवरी गोल दैट यू आर वर्किंग ऑन हेल्थ रिलेशनशिप और अलग से अगर आपकी रिलेशनशिप्स में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही हैं कम्युनिकेशन चैलेंजेस हैं तो आप वो लिख सकते हो तो कर रहा है कैसे आपको सिर्फ लिखना है और उसको आप दो वर्ड्स में लिख सकते हो या एक सेंटेंस में लिख सकते हो ठीक है कम से कम मैं आपको बता रही हूँ थर्टी फोर्टी गोल्स आपके होने चाहिए ठीक है अगले एक साल के लिए बहुत दूर का मतलब बनाओ अभी सिर्फ एक साल का लेक सपोज आपको क्या क्या चाहिए ठीक है जो आपके बिल्कुल पास वाले गोल्स हैं अगले एक दो महीने के वो कंपेटिवली ज़्यादा होने चाहिए ठीक है जो भी आपका दिल करे इट इज़ टोटली अप टू यू ओके उसमें आप मेरिकल्स uh, भी लिख सकते हो उसमें आप गिफ्ट्स uh, लिख सकते हो uh, उसमें आप ये भी लिख सकते हो कि आप यू uh, नो you know, कहाँ कहाँ ट्रैवल करना चाहते हो राइट सो इट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ़ योर इंटायर लाइफ इट इज़ योर विजन इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर प्रोफेशन वॉट इज़ द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल यू वॉन्ट टू लिव यू वॉन्ट टू सी इट ऑन योर विजन ओके एंड अपने पार्टनर के साथ अपने बच्चों के साथ अपने जाना चाहते हैं राइट right? आप, आपकी रिलेशनशिप्स कैसी होनी चाहिए क्या आप वो वर्ड्स की फॉर्म में लिखें लिखेंगे या आपके पास एक कोई फैमिली पिक्चर है जो आप आ, जो आप यूज़ करेंगे ठीक है ना तो जो भी आप चाहते हो आप अपने गोल्स लिख लो पहले आपको चाहिए क्या क्या ठीक है जब आपने सब कुछ लिख, लिख लिया कि आपको चाहिए क्या क्या उसके बाद आप जाएंगे गूगल पर ठीक है गूगल या अनस्प्लैश अनस्प्लैश भी एक वेबसाइट है आप उस पर भी जा सकते हैं जो जो आपने गोल लिखे हैं उसके बेसिस पर आप पिक्चर्स ढूँढिए ओके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मनी लिखा है तो मनी की अच्छी सी पिक्चर ढूँढी और ऐसी मनी जो ग्रो कर रहा है यू you नो know? अगर आपको अपनी बिजनेस मैन में, प्रोफेशन में ग्रोथ चाहिए सो यू मे वॉन्ट टू लुक फॉर अ पिक्चर लाइक दैट अगर आपको अपनी टीम वर्क चाहिए तो आप ऐसी पिक्चर ढूँढिए राइट अगर आपको यू नो ट्रैवल करना है फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप जहाँ जहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं uh, वहाँ की पिक्चर्स देखिए एक पिक्चर काफ़ी है आप रोल मॉडल्स अपनी रोल मॉडल्स की दो तीन पिक्चर्स डाल सकते हैं राइट आपकी नई बिलीव क्या होनी चाहिए आप उसकी दो तीन पिक्चर्स डाल उसकी आ, उसकी पिक्चर्स तो खैर आप अलग से डालेंगे जब मैं आपको बताऊंगी बट आप वो भी लिख सकते हैं अपने गोल्स में राइट कि आपकी नई बिलीव्स क्या होंगी उसके अलावा मैं आपको सिर्फ आइडियाज़ दे रही हूँ उसके अलावा आ, आप इसको और और एक्साइटिंग बनाने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं आप अपने ही किसी जानकार को बोल सकते हैं अगर आप उनको नहीं आप उनको नहीं बताना चाहते कि आपका गोल क्या है या आपका आप विजन वोड बना रहे हो आप अपने तीन चार करीबी लोगों को बोल दीजिए कि मेरे लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर दे सिर्फ इस स्टेटमेंट की येस यू कैन डू इट यस यू कैन अचीव योर गोल्स दैट्स इट इतना बस ठीक है अब जो आपके पास ये वीडियोस आ गए जो आपके पास पिक्चर्स आ गई राइट आपने क्या करना है आपने जाना है इन um, शॉर्ट पर ठीक uh, है इन <coughs> शॉर्ट एक ऐप है सॉरी इन शॉर्ट इन शॉर्ट एक ऐप है जिसमें आप जाएंगे और इन सारी पिक्चर्स को प्लेस करेंगे ठीक है अपने रोल मॉडल्स की अपनी नई बिलीव्स की राइट right? अब बिलीव्स की पिक्चर तो आपको कहीं मिलेगी नहीं तो आप जब इन पहले आपको इन शॉर्ट सीखना पड़ेगा येस इट इज़ इट विल विल टाइम कंज्यूमिंग बट बट सच बता रही हूँ इन शॉर्ट सीखना बहुत आसान है आप चाहिए ढूंढिए इन शॉर्ट कैसे बनाते हैं इन शॉर्ट पर वीडियोज़ आपको बहुत ईजीली मिल जाएगा अगर आपको ऑलरेडी इन शॉर्ट आता है तो बहुत जल्दी आप एक अच्छा सा वीडियो विजन बोर्ड बना पाएंगे ठीक है ना और सारी पिक्चर्स को लेकर आएँ और पिक्चर्स अगर आपको कोई पिक्चर नहीं मिली किसी पर्टिकुलर गोल की तो आप इन शॉर्ट पे जाकर आप एक ब्लैंक स्क्रीन पर वो गोल देख सकते हैं सिंपल कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही करेगा कि आपका जो 80 परसेंट वीडियो विजन बोर्ड है उसमें पिक्चर्स हों ओके और दो तीन छोटी छोटी वीडियोस भी हों जिसमें आपके कोई करीबी लोग आपको कुछ बोल रहे हैं आपको मोटिवेट कर रहे हैं राइट डेढ़ या दो मिनट से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए ये ठीक है आप सारे पिक्चर्स को अरेंज करो क्या ऑर्डर में होना चाहिए नहीं जो आपको लगता है जैसे आपको फ़ील होता है बस आप उसे डालते जाइए उसके साथ साथ आप आ, इसकी म्यू, इसमें म्यूज़िक भी डाल दीजिए और अफकोर्स क्योंकि पिक्चर्स है तो उसमें एनी वे आवाज़ तो होगी नहीं एक्सेप्ट जो आपको कुछ लोग बोल रहे हैं है ना कि कैसे हो सकता है Uh, आप कैसे हाउ यू कैन अचीव योर गोल्स देन नॉट सिंग हाउ पे सिंह यू कैन अचीव योर गोल्स उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड हो सकता है उसको आप कम नहीं करना जैसा है वैसे रहे ठीक है ना ज़्यादा नहीं दो वीडियोज़ मोर देन एनआफ ओके नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब आप इसमें म्यूज़िक डालेंगे ठीक है और म्यूज़िक आप कहाँ से डाल सकते हैं या फिर तो आप यूट्यूब पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपना फेवरेट म्यूजिक डाल सकते हैं आप यूट्यूब पर जाकर यूट्यूब सेव नेट पर जाएँ और जो भी आपका यूट्यूब का लिंक है उसे वहाँ पर रख कर आप उसे डाउन डाँग, डाउनलोड कर सकते हैं जब आप वो डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन पर तो उसके बाद आप आप उस म्यूज़िक को एज अ बैकग्राउंड म्यूज़िक कर सकते हैं आप अपना फेवरेट म्यूज़िक भी डाल सकते हैं कोई फेवरेट सॉन्ग डाल सकते हैं जो आपको बहुत इंस्पायर करता हो और अगर वो नहीं तो इन शॉर्ट में बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक अवेलेबल हैं आप वो भी डाल सकते हैं ठीक है अब ये आपका बन गया पूरा का पूरा वीडियो विजन बोर्ड अब ये तो आप अपने घर पर नहीं लगा सकते राइट आई मीन विजन बोर्ड को आप प्लेस कर सकते हो बट इसको तो आप नहीं कर सकते बट ये विजन बोर्ड से भी ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा कैसे सुबह उठते ही आप, आपने इसको देखना है विद इन थर्टी मिनट्स जस्ट वॉच दिस वीडियो राइट इसको बनने में लगेगा आई I मीन mean, मैंने एक घंटे में बना लिया था बिकॉज आई नो हाउ टू एडिट आई नो वॉट माई गोल्स आर आई विज सुपर क्लियर अबाउट इट अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप एक गोल उस लिख सकते क्लैरिटी का भी ओके क्लैरिटी आई हैव द क्लैरिटी ऑफ वॉट टू डू ओके सो so, जब आपका ये वीडियो बन गई आप इसे अगले तीस से नब्बे दिन के लिए रोज देखें जब जब आपकी अडिक्शन आती हैं आपकी डिस्ट्रैक्शन आती हैं सोशल मीडिया देखने की या जब जब आपका माइंड नेगेटिविटी में चला जाता है तब तब उठाकर आप इस वीडियो को बारी 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 बारी, बारी देखें जरूरी नहीं है कि आपको इमिजिएटली कोई रिजल्ट मिलेगा बड़ा आपका माइंड प्रोग्राम होता रहेगा इज इन एट अमेजिंग सो ये आपकी अपनी क्रिएटेड फ्यूचर है आपसे जब ये फ्यूचर आप अपने आप बारी बारी देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो लाइक अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ आपको ये वीडियो के बारे में बता रही हूँ वीडियो विजन बोर्ड के बारे में तो मेरे माइंड में ऑलरेडी वो पिक्चर्स चल रही है जो मैंने बनाई है और मैं ऑलरेडी उस विजेट बोर्ड को कई बार देख चुकी हूँ राइट सो आप वीकली बेसिस पे कितना ऑन करना चाहते हो आप मंथली बेसिस पे कितना ऑन करना चाहते हो आप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपके आपके पास कितनी सेविंग्स होनी चाहिए आप इतना स्पेसिफिक हो सकते हो राइट बट वीडियो दो ढाई मिनट से ज़्यादा लंबी नहीं जानी चाहिए ओके अदरवाइज़ इट विल बी टू मच फॉर द माइंड नॉट रिक्वायर्ड टू मिनट्स मोर देन अनफ और आप इस वीडियो को सेव नहीं करोगे आप इसको ड्राफ्ट्स में रखोगे क्यों क्योंकि जब आप इसको ड्राफ्ट्स में रखोगे तो अगर अगले कुछ दिन दिनों में और कोई आइडियाज़ आते हैं तो आप उसे डाल सकते हो बट ढाई मिनट से ऊपर मत लेकर जाएगा इट विल बी टू मच फॉर यू ओके आई मीन इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट यू बट इनिशियली जस्ट मेक टू मिनट्स मोर देन अनफ ओके एंड अच्छा सा एक्साइटिंग सा पैपी म्यूजिक डालिए जो आपको एक्साइट करे रोज़ सुबह उठकर इसे सुने दिन में सुने खाना खाते वक्त इसे देख कर इट यू विल बी प्रोग्राम सो अमेज़िंगली कैन वी डू दिस यस और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अगर आप किसके साथ शेयर भी करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल बिकॉज मैंने यूट्यूब पे ऑनेस्टली किसी को भी अभी तक नहीं देखा है जो वीडियो विजन बोर्ड पे वीडियोस बनाते हो बनाते हो तो आई डोंट नो अबाउट इट मे बी आई विल गो एंड चेक बट दिस वॉज जस्ट एन आइडिया अ रैंडम आइडिया दैट केम टू माई माइंड एंड बिकॉज मैं ट्रैवल काफ़ी करती हूँ तो मुझे रहता है कि मैं हर टाइम अपने साथ अपना एक बोर्ड नहीं कैरी कर सकती डिजिटल बोर्ड मेरे को कंपैरेटिवली इतना एक्साइट नहीं करता एंड वीडियो विजन बोर्ड विद द म्यूज़िक आपकी सारी सेंसेस उसमें यूज़ हो रही हैं आप उसे देख भी रहे हो आप उसे सुन भी रहे हो म्यूज़िक सुन रहे हो और उसके साथ एंकर हो रहे हो एंड यू कैन फील वॉट यू वॉन्ट टू फील इन द फ्यूचर यू कैन फील इट इन द प्रेजेंट और यही तो सबसे बड़ी कला है कि जो आप चाहते हो फ्यूचर में आप उसे अभी के अभी फील करना शुरू कर दो कि वो ऑलरेडी हो चुका है सो so, अपने सारे गोल्स आप प्रेजेंट में लिखिएगा जैसे हो चुके हैं एंड ट्राई दिस आउट ट्राई दिस आउट फॉर फ्यू डेज़ एंड मेरी वीडियोज़ आप वॉच करते रहिए बहुत मैं और आइडियाज़ देती रहूँगी इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए एंड एट द सेम टाइम अगर आप मेरे साथ एक कॉल बुक करना चाहते हैं कि इस विजन बोर्ड को कैसे बनाएं और कितना पावरफुल बना सकते हैं कितनी फास्ट हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं अपने ब्लॉक्स को जल्दी जल्दी रिमूव कर सकते हैं आप मेरे साथ अलाइनमेंट कॉल बुक कर सकते हैं और हमारी बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं जो आप अटेंड कर सकते हैं जब आप वो सब करोगे यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स इवन फास्ट ओके सो विद दैट थैंक यू सो मच अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ शेयर इट विद अदर पीपल सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ डू कामेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लगी तो प्लीज़ कॉमेंट जरूर करिएगा अगर आप आप इसमें से कुछ रियली में सीख कर जा रहे हैं ठीक है थैंक यू सो मच आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय